स्वागत है बच्चों आप सभी को। कल हमने प्रार्थना पद के कुछ उद्देश्य हमने आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से उद्देश्य आपको पता है तो देखेंगे, और एक बार पूर्वाध्याय जो बात है देखेंगे। इस पद के कुछ उद्देश्य ऐसे हैं कि मनुष्य जीवन में कभी भी सद्भाव की एक प्रधान स्थान दी जाती है ना, तो छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखनी चाहिए, एक दूसरी उद्देश्य होती है। और तीसरे उद्देश्य इस पद का क्या होती है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और चौथा है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अंतिम है इस देश के प्रति हमें अभिमान रखनी चाहिए, यही इस पद का उद्देश्य है। कल हमने इतना ही पढ़ाया था, तो आगे का हिस्सा भी देख लेंगे। करें किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। देखो इस हिस्से में क्या कहते हैं, करें किसी का ना अपमान। अपमान मतलब क्या होती है, अपमान अपमान मतलब अनादर या अगौरव, मतलब उसको हम इज्जत नहीं देते, ऐसे नहीं करना है हमें, अगौरव नहीं करना है। यदि हमसे उम्र से बड़े हैं या ज्ञान से, उनको हमसे भी बहुत उसको ज्ञान है, तो हमें उनको क्या करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक अच्छी भावना होती है। ऐसे हमें सदैव हमें सजग रहना चाहिए। वो हमसे बड़े हैं, हमसे हमें कोई ना कोई हम ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे व्यवहार करनी चाहिए। सदा उनको हमें कैसे करनी चाहिए, गौरव के साथ उसके साथ बात करनी चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि करें किसी के ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। मति मतलब क्या, बुद्धि। मति का अर्थ क्या होती है, बुद्धि। हम भगवान से यही विनती करते हैं कि, विनती मतलब मांगते हैं भगवान से, क्या मांगते हैं, हे भगवान हमें ऐसी मति दो, हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, वो तो गलत रास्ता होती है ना। इसलिए वहां पे भगवान से हमें ऐसी भक्ति भाव से हमारा जो शीश है नीचे दिखाकर झुक कर भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे भाव हमें मांगनी चाहिए कि हम किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसे ही बुद्धि दीजिए करके हम भगवान से मांगना चाहिए। क्या होती है, हम दूसरों को ऐसा अनादर करें तो हमें लोग हमें क्या करते हैं, शाबाश कहते हैं, नहीं कहते हैं। एक रहे सद्भाव रखे हम, एक रहे सद्भाव रखे हम। कल मैं आपको उसके बारे में समझाई थी, सद्भाव का अर्थ क्या होती है, सच्चा मन से, मतलब सत अधिक भाव, सत मतलब सच्चा अच्छा वाला, तो सद्भाव हमारी जो भावना है अंदर का जो फीलिंग्स है उसको भावना कहते हैं आप हिंदी में, तो हमारा जो सद्भाव है एक अच्छा रहना चाहिए, इसलिए हम ये सभी भगवान से मांग रहे हैं। देश देश में मान रखे हम, हमारा मन साफ हुआ तो हम सब ऐसे ही रहे तो हमारे जो मर्यादा है, हमारा जो इज्जत है वो बढ़ जाता है। देखो भारत देश के लोग कभी भी ऐसे ही रहते हैं, झगड़ते नहीं, इकट्ठे में रहने वाले हैं, उनका मन बिल्कुल साफ है, ऐसा हमारा जो मान है बढ़ता है। अभी एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक जो परिवार है, परिवार में सब लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, मतलब आपके चाचा चाची नाना नानी सब इकट्ठे रहे, तो वहाँ पे एकता इंसान वहाँ पे बिना झगड़े करे तो सभी के परिवार के सदस्य के साथ वो मिलजुल कर रहे तो क्या होता है, देखो बाकी के लोग बोलते हैं कि ए परिवार देखो कहाँ कैसे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तो कैसे इकट्ठे में रहते हैं, कैसे दूसरों का बात नहीं मानते वो, ऐसे कोई भी नहीं है, जो बड़े हैं उनका सब लोग मानते ही हैं, ऐसा जो सुंदर परिवार उसको कहा जाता है, अच्छा परिवार भला ही परिवार है करके दूसरों के मुंह से वो निकलती है, मतलब यहाँ पे बड़े लोगों का इज्जत भी मिलता है और छोटे लोगों को प्यार से बोलने की जो बात है उस परिवार से वो हम दूसरे लोग सीखते हैं। यदि हमारे जो परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हुआ तो क्या होती है, ये परिवार हमेशा झगड़ा सुनना पड़ेगा, ये परिवार अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, कैसे नाम रखते हैं सदस्य के लोग, इसलिए वहाँ पे बोलते हैं कि हमें जो देश में रहने के नाते सभी लोग कैसे हैं, वो हमारे भाई जैसे हैं, हमारे बहन जैसे हैं, एक रिश्ता है, एक जो अटूट रिश्ता रहते रहने के मौके तक हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और तीसरा भाग में है,
हट छोड़े संयम अपनाए, मतलब छोटी छोटी बातों पर हट नहीं करना है हमें, जिद नहीं करना है कोई, क्योंकि अभी देखो मुझे कपड़ा ही चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए पहनने के लिए, मुझे कलम चाहिए पहनने लिखने के लिए, ऐसा कहा तो अच्छा नहीं होता। उनके पास पैसा है वो हमें दिलाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है तो छोड़ देंगे, मतलब छोटी छोटी बातों पर हमें जिद नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा ही है, मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, उधर जाना है, परीक्षा कल रहती है, अब पूरा दिन आप घूमते रहे तो वो अच्छा नहीं होता है या नहीं। परीक्षा नजदीक है तो पढ़ाई के बारे में आपको ध्यान देनी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर हमें हट नहीं करना चाहिए। और संयम, संयम मतलब हमेशा, अभी किसी ने कहा थोड़ी हमें विनम्रता से रहना है, मतलब गुस्से नहीं होना है, पता है हमें वो कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ हमारे ऊपर अपवाद दे रहा है, फिर भी हमें थोड़ा सहन चाहिए, उनको बताना, देखो बाबा आप कुछ जो बोल रहे हैं वो गलत है, आप ऐसा मत कहो, उनको समझाना चाहिए। देखो अभी एक व्यक्ति उनके साथ झगड़ा किया, दूसरे व्यक्ति उनके साथ झगड़ा किया, दोनों आपस में झगड़े कर रहे थे लेकिन देखने वाले आराम से देखकर चुप बैठते हैं, लेकिन आप उन दोनों में से समझ ले तो ऐसा झगड़ा आगे नहीं हो सकता, इसलिए हमें हट छोड़ना चाहिए और उन दोनों में से कोई ना कोई संयम रहा तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। और मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मतलब मातृभूमि मतलब मैं आपको कल बोली थी, मातृभूमि मतलब हमारा देश, हमारे जो गांव है, हमारा देश, हमारा गली है, ये सभी क्या होती है उसके अंदर आते हैं, उसके लिए हमें जो हमारा जो प्राण है उसके लिए अर्पित करना चाहिए। ऐसा किया तो एक अच्छा इंसान उसको कहलाता है, जैसे कि आपने कहा सुना है जैसे कि भगत सिंह हो, महात्मा गांधी जी हो, किंतु रानी चन्नम्मा हो, वे सब लोग अपने स्वार्थ में काम नहीं किया है, भला ही देश के लिए उन्होंने अपना प्राण को उन्होंने क्या किया है, अर्पित किया है। ये जो बापूरा है इस पाठ का उद्देश्य, इस गद्य पाठ का पद्य पाठ का इसमें उद्देश्य होता है, इसलिए इस प्रार्थना पद का उद्देश्य क्या होती है, मनुष्य जीवन में कभी भी अच्छा भावना रखनी चाहिए, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपमान भी किसी का नहीं करना चाहिए, साथ ही देश के प्रति अभिमान रखनी चाहिए, ये इस पद पाठ का उद्देश्य होती है। इसलिए ये सभी प्रार्थना हम भगवान के सामने की जाती है। आपको ये समझ में आया ना, तो इस पाठ में आया हुआ व्याकरण अंश क्या आया है, इस पद पाठ में व्याकरण अंश कुछ युग्म शब्द आया है, क्या आया है, युग्म शब्द। आप कन्नड़ में उसको क्या कहते हैं पता है आपको, जोड़ी पद कहते हैं, मतलब दो शब्दों के बीच में आती है, यहाँ पे दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह आती है, इसको युग्म चिन्ह कहते हैं। देखो आपको पता है ये छोटे बड़े जो शब्द है कभी कभी विलोम शब्द भी बन जाता है, यहाँ पे क्या है, युग्म शब्द हो गया है। और कुछ और एक है, कौन सा, देश, देश इसको क्या कहते हैं, विरुक्ति। विरुक्ति का क्या होता है, उक्ति मतलब क्या, दो बार बोलना, विरुक्ति उक्ति मतलब बोलना, यहाँ पे द्वि मतलब दो बार, ये जो है शब्द है दो बार यहाँ पे उच्चारण किया है, इसलिए इसको विरुक्ति कहा जाता है। कुछ विराम चिन्ह भी आए हैं यहाँ पे, विराम चिन्ह कौन कौन सा आया है, देखो मैंने आपको कल बताए थे व्याकरणांश में बहुत सारे हैं, तो आज हम देखेंगे इसमें अल्पविराम आया है, इसको क्या कहते हैं, अल्पविराम। जो बात है आधा हुआ तो उसके बीच में इस चिन्ह को हम लगाते हैं, जो अंतिम है वो पूर्ण विराम है, आपको तो पता है। मान, मान क्या होता है, मर्यादा। और एक है अपमान, हो गया है अगौरव, है ना। तो तुरंत, तुरंत मतलब जल्दी, समझ में आया बच्चों। तो आपका गृह पाठ है, मतलब यानी कि होमवर्क, गृह पाठ क्या है, प्रार्थना पद को एक बार लिखिए।
एक बार लिखिए। और इस पद के अंदर जो प्रयुक्त विराम चिन्ह कहाँ कहाँ दिया गया है उसका उद्देश्य